नमस्कार फ्रेंड्स, हरीश बाली ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। इस समय मैं वाइजैग में हूँ। वाइजैग में ना एक लैंडमार्क लोकेशन है, इसको बोलते हैं जगदम्बा क्रॉसिंग। मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स से कमेंट आए थे कि यहाँ पर ना एक सबसे पुराना थिएटर भी है और ये पॉपुलर क्रॉसिंग है, तो आप बीच में समय रहेगा तो देख लेना। तो मेरे को लगा आज का दिन की शुरुआत यहीं से करते हैं। सामने आप थिएटर देख रहे हो, ये वाइजैग का सबसे पुराना थिएटर है और ये क्रॉसिंग जहाँ पर आज हम खड़े हैं। आज तो इसको हार्ट ऑफ द सिटी पूरी तरह से नहीं बोल सकते या सेंटर ऑफ द सिटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक समय था ये जगह सेंटर ऑफ द सिटी कहलाती थी। लोग शॉपिंग करने के लिए यहीं पे आया करते थे, इनफैक्ट रहते भी यहीं थे। तो वाइजैग में जो अर्बनाइजेशन हुई वो सबसे पहले यहाँ पर हुई। जगदम्बा क्रॉसिंग वैसे फेमस है काफ़ी। अब यहाँ पर आप ना देखो, क्योंकि क्रॉसिंग है तो बहुत सारे ऑटो भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर शेयर ऑटो भी मिल जाता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगर आपको ट्रैवल करना है। और वैसे भी आप ऑटो लेके इजीली ट्रैवल कर सकते हो। कल भी मैंने शाम के समय नोटिस किया था, ऑटो जगह जगह चलते हुए दिखाई देते हैं। सामने आप जो स्टैचू देख रहे हैं ना, जिनका स्टैचू है वो उनका नाम है टेनेटी विश्वनाथन। वाइजैग में बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। जब वो स्टील प्लांट बनने में डिले हो रहा था तो इनका बहुत सहयोग रहा, इन्होंने बहुत एग्रेसिव ढंग से उसके लिए फाइट करी कि स्टील प्लांट जल्दी से जल्दी लगे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लार्ज स्केल पे यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। हमको अभी चलकर ब्रेकफास्ट करना है, सुबह 8:30 बजे का अभी टाइम है। यहीं बगल में ना मेरे को ये नारियल पानी वाला भी दिखाई दे रहा है, चल के नारियल पानी पीते हैं फिर नाश्ता करने चलेंगे। सही है, एक चीज़ मैंने यहाँ पर डिफरेंट पाई है। आम तौर पे किसी भी नारियल पानी के स्टॉल पे हमको इस प्रकार की बॉटल्स नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर ये बॉटल्स हैं। तो इन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं, किसी को बॉटल में चाहिए तो बॉटल में भी डाल के दे देते हैं, तो आप ड्यूरिंग द डे उसको पीते रहो। ऐसा मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखा। रवि जी से हमारी दोबारा मुलाकात हो गई है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने यहाँ पर आए हैं। तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वेंकटाद्री वेंटिलो? वेंटिलो, वेंटिलो मींस किचन, वेंकटाद्री किचन। अच्छा, सही है। तो यहाँ पर हम चलकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं? दिस इज यूनिवर्सिटी रोड, आंध्रा यूनिवर्सिटी रोड। तो वैसे आंध्रा यूनिवर्सिटी यहाँ से कितना दूर है? बस वही है, वही कंपाउंड वाले। अच्छा, सामने ही है। लवली, आइए जी। नाश्ते में रवि जी ले रहे हैं इडली वड़ा और मैंने अपने लिए लिया है स्पॉन्ज डोसा विद घी कारम। ये जो आपको इतने सारे छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, इन्होंने ओवरनाइट इसको फर्मेंटेशन किया। तो अभी हम किचन में देखने गए थे कि ये बना कैसे रहे हैं इसको। तो इनके पास यहाँ पर तीन तरह के बैटर हैं, एक तो नॉर्मल डोसा का बैटर है, एक ये बैटर है और तीसरा बैटर एक और था, वो किसका था मैं भूल गया, थर्ड बैटर था। तो तीन तरह के बैटर हैं और इसको ओवरनाइट फर्मेंट किया और ऊपर ये गारम पाउडर है। कल मैंने रात को भी जो डोसा खाया था ना उसमें भी ये पाउडर इस्तेमाल हुआ था। तो अभी मैंने इनको कहा एक बार दिखा दो हमें ये पाउडर, इसको पोड़ी बोलते हैं यहाँ पर। तो इसमें चना दाल, उड़द दाल और साथ में रेड चिल्ली, इनको मिला के इसको तैयार करते हैं। लीजिए ना, खाने से ना चना दाल के या हल्का हल्का उड़द दाल का आपको पीसेस महसूस हो रहे हैं, क्योंकि दर्दरी लेवल पे इसको पीसा गया और बहुत ज़्यादा चिल्ली भी नहीं है इसमें, टेस्ट अच्छा है। साथ में हमने अपने लिए ना स्वीट पोंगल मंगाई है। स्वीट पोंगल ज़्यादा कॉमन नहीं होता, मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी साउथ इंडिया में ट्रैवल किया मैंने स्वीट पोंगल कभी नहीं खाया। ये ज़्यादा कहाँ चलता है? ज़्यादा तमिलनाडु में चलता है। अच्छा, तमिलनाडु एंड कर्नाटक में। अच्छा, स्वीट पोंगल। तो उसका टेक्सचर बहुत अलग है। आई वाज थिंकिंग कि जैसे खिचड़ी बनाते हैं उसमें जैगरी मिक्स कर रहे देंगे, लेकिन टेक्सचर तो अलग हो गया है। ये तो पूरा जैगरी का वो रंग है।
कलर बदल गया लवली। और जैसा मैंने आपको अभी बताया ना, इसमें फर्मेंटेशन इन्वॉल्व है, तो खाते समय ना खटास है इसके स्वाद के अंदर। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बाइट लो और आपको वहीं पे स्वाद आ जाए, आपको एक दो बार खा के इसके टेस्ट को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको डोसे में खटास पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, तो ये चीज़ आपके लिए एक नई चीज़ है। और एक चीज़ बड़ी और इसमें इंटरेस्टिंग है, इसमें नॉर्मल डोसे के बैटर के अलावा मूरी और पोहे का भी इस्तेमाल किया गया है। मूरी बोलते हैं पफ राइस, और पोहा वो भी इस्तेमाल करते हैं। राइस एक बात है, अभी जितने दिन हम ट्रैवल करेंगे ना आंध्र प्रदेश में, सांभर हम लोग कितना जगह टेस्ट कर लेंगे सोचो। दिन में अगर हमें 3 बार भी सांभर टेस्ट किया तो 12-13 दिन में कितना हो जाएगा, 40-50 टाइम्स। ब्रेकफास्ट में, लंच में आपको सांभर ही मिलेगा, आंध्र प्रदेश के सांभर एक्सपर्ट बन जाएंगे। इतनी जगह खा के आपको एक बड़ी एक्सपीरियंस हो जाता है कि सांभर किस किस वेराइटी में और कैसे कैसे टेस्ट में है। देखो अदरक में जो तीखापन होता है उसके साथ ना, ज़्यादा आप खा नहीं सकते लेकिन हल्की हल्की बाइट अदरक की चटनी भी लगाओ तो नाइस टेस्ट। अभी मैं खाने वाला हूँ स्वीट पोंगल, आप नहीं लोगे? फ़र्क ना एक्चुअली में केवल गुड़ का नहीं है, मेकिंग प्रोसेस में भी डिफरेंस मेरे को महसूस हो रहा है। आमतौर पे ना खिचड़ी को इतना ज़्यादा पकाया नहीं जाता, लेकिन इसको बनाने के लिए मैं नोटिस कर रहा हूँ मूंग दाल, मतलब टेस्ट में लग रहा है मूंग दाल और चावल को ना बहुत ज़्यादा प्रेशर कुकर में पका कर फिर घी और गुड़ के साथ मिक्स किया गया, साथ में थोड़ी सी शुगर भी है। सही है, काजू के साथ और घी की अच्छी खासी लोडिंग है, समथिंग डिफरेंट। मैंने आज से पहले कभी भी स्वीट पोंगल ट्राई नहीं किया। चलो अभी यहाँ से हमें निकलना चाहिए, 10 बज चुके हैं, 10 बजे का मीटअप टाइम है, 5-10 मिनट में अपने होटल पहुँच जाएंगे, वहाँ मैंने मीटअप प्लान करी है। 1-2 घंटे मीटअप के लगा लो, 12-12 वहाँ से फिर मैं चलूँगा, फिर रेस्ट ऑफ द डे हम वाइजैग घूमेंगे। लंच आज कर लें स्पाइसी वेन्यू पे, MLA पोर्टलम बिरयानी साउंड इंटरेस्टिंग, और कैलाशगिरी वहाँ से निकल जाएँ। नहीं अभी मेरे को मालूम चला है वहाँ पे ना गाइड है नहीं, पहले होते थे अभी नहीं है ऐसा मालूम चला मुझे। चलो थैंक यू सो मच। ओ हेलो जी, नमस्ते जी, क्या हाल है? हाँ जी, आप लोग कहाँ से बात कर रहे हो? ओ मुंबई से? ओ फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अभी बात करी थी ना, हाँ 10 बजे का मैंने मीटअप प्लान किया था, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तक हमने सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत सारी बातें करी, अपनी आइटनरी डिस्कस करी और आइटनरी में मॉडिफिकेशंस भी करी। अब 1 बजने का टाइम हो चुका है, 5-10 मिनट है 1 बजने को, अब मैं लंच करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस में स्पाइसी वेन्यू करके रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो उबर हमने ले ली है, तो उबर में चलते हैं। स्पाइसी वेन्यू रेस्टोरेंट हम पहुंच चुके हैं, ये है सामने, आइए अंदर चलते हैं। मैं यहाँ पर ना एक चीज़ ख़ास है मेरे माइंड में जो मैं खाने के लिए आया हूँ, एक बिरयानी होती है जिसको ये लोग ना ऑमलेट में रैप करके सर्व करते हैं, ये कुछ नई चीज़ है। अभी सब्सक्राइबर मीटअप में हमें किसी ने बताया कि आप जाओ टेस्ट करो आपको अच्छा लगेगा, तो उसको माइंड में रखते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा थाली मेन्यू, अच्छा और टुडे स्पेशल,
लास्ट टाइम भी जब मैं हैदराबाद आया था ना, तब मैंने सीखा था कि पप्पू बोले तो दाल। शुरू में मुझको अजीब लगा, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि ये आसानी से पुल्लसु भूल गया हूँ मैं क्या होता है, पता लगा तो। आइए, ये कह रहे हैं नीचे फुल है तो आप ऊपर बैठ जाओ। मेन्यू की फिजिकल कॉपी नहीं है, तो अगर आपको मेन्यू देखना तो यहाँ इसको स्कैन कर लो। नाइस। और ये कुछ MLA पोर्टलम बिरयानी, ये लिखा हुआ है जो हम खाने वाले हैं। ओह थैंक्स। अच्छा, तो जो मैं समझ रहा था कि बाहर ऑमलेट है, एग ऑमलेट, और अंदर बिरयानी। तो आपने इसमें कितने एग डाल दिए? तो 5 या 6 एग लग रहे हैं। वही मैंने कहा 2 या 3 से तो बनेगा ही नहीं इतना। पूरा रैप कर दिया, बिरयानी दिख ही नहीं रही। अच्छा, पोटलम मींस व्हाट? कवर्ड। कवर्ड रैप। तो इसको हाफ। लवली। स्टफिंग है मटन और प्रॉन्स। मटन कीमा एंड प्रॉन्स। नाइस। आप देख लो, मैं कुछ देर पहले बोल रहा था ना पुलिसू, तो ये है चिकन पुलिसू। मैंने पूछा इनसे, ये कह रहे हैं ग्रेवी को बोलते हैं। बिल्कुल ना, किसी ने बताया था आंध्रा फूड में ना जनरली स्पाइस ज़्यादा रहता है। कल मैंने रात को डिनर किया, सुबह ब्रेकफास्ट किया, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ। अभी जैसे जैसे जर्नी करूँगा पता लगता रहेगा, लेकिन यहाँ पर एवरेज से थोड़ा ज़्यादा तीखा है। और ये तीखापन है ना होल स्पाइसेस का है, गर्म मसालों का। और बहुत सारे मसाले ना पिसे हुए हैं, साबुत मसाले मेरे को कम लग रहे हैं, पिसे मसाले ज़्यादा। और बिरयानी फुल फ्लेवर सम है। आमतौर पे जैसे मटन बिरयानी में फुल पीसेस होते हैं ना, इसमें मटन कीमा होने की वजह से ना तो छोटे छोटे मटन पीसेस हैं, और उनका अपना मसाला है। और बिरयानी तो मज़ेदार है ही है, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। सच बताऊं, बिरयानी का टेस्ट वैसे बड़ा मज़ेदार है, और ये पुलिसू डाल दिया तो मज़ा और बढ़िया हो गया। इसके साथ भी बढ़िया, बिना इसके भी बढ़िया, ये मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा मन हो रहा है कि पानी में अभी ना पीऊँ, ये टेस्ट बरकरार रहे, इतना अच्छा लग रहा है। ये फिनिश करने के बाद मैं कुछ मीठा खाऊँगा, फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। ये देख लो जी, ऑमलेट के अंदर कैसी बिरयानी और कैसा टेक्सचर है। सही है ना? मीठे में हम खा रहे हैं एप्रिकॉट डिलाइट। मेरे को याद आ गया, मैं 4 या 5 साल बाद जब हैदराबाद आया था ना, तब भी मैंने एप्रिकॉट डिलाइट खाया था, और उसका स्वाद मेरे को आज तक याद है। लवली। ये ऊपर देखिए कस्टर्ड है और साथ में क्रीम। मस्त है, लवली। देखो टेक्सचर, 3 से 4 लेयर है। सबसे नीचे खुबानी, फिर स्पॉन्ज केक, कस्टर्ड और क्रीम। सही है। अब हम कैलाशगिरी माउंटेन जा रहे हैं, जाएंगे तो ऊपर से, वापस आते समय हम लोग रोपवे ले लेंगे, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। कैलाशगिरी के लिए मैंने जब उबर बुक करवाई ना, तो ड्राइवर ने आके बोला कि हम कैलाशगिरी ऊपर तक नहीं जा सकते, ऊपर जाना और वापस आना कि आप बुकिंग करवा लो। तो मैंने 500 रुपये देकर यहाँ पर ड्रॉप करवा लिया, रिटर्न हम लोग रोपवे से जाएंगे ऐसा सोचा है।
फिलहाल ये पार्किंग स्पेस देख लो, बड़ी सी जो बनी हुई है। यहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। ये देखो कितना डेकोरेटिव सा गेट बनाया हुआ है। यहाँ तक आने में लगभग 15 मिनट लगे होंगे। हिल के ऊपर अभी हम हैं, तो आगे जाकर हमको बढ़िया सा व्यू देखने को मिलेगा। कैलाशगिरी हिल देखने के लिए ना बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए एक्साइटमेंट होती है टॉय ट्रेन में सफ़र करना। ये ट्रैक देख लो, अभी 10 मिनट में गाड़ी आएगी और 20 मिनट का पूरा राउंड बाहर से करवाती है। बाकी तो जाएंगे तो देखेंगे। फिलहाल यहाँ सामने काउंटर से हमने टिकट निकाल ली है। नॉन एसी एडल्ट्स 100 रुपीज़ और अगर एसी में जाना हो तो 150 रुपीज़, राइट। अब वेट कर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी आएगी, फिर टॉय ट्रेन में राउंड करेंगे और फिर कैलाशगिरी हम घूमेंगे। वैसे जितना मैं जानता हूँ ये जगह हाइट पे है, तो हमको विशाखापट्टनम का व्यू देखने को मिलेगा। ये सीट वाइज, सीट नंबर वाइज है। 10 मिनट हो गए हैं ट्रेन को चलते हुए। अब वो व्यू दिखाई दे रहा है जो मुझे लगता है पिछले 10 मिनट का बेस्ट व्यू है। वाइजैग शहर सामने, थोड़ा सन है तो बहुत ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शाम को अगर 5-5:30 बजे देखेंगे तो विजिबिलिटी बहुत बढ़िया आएगी। और वहाँ पर वो सामने सी बीच है, अभी कौन सा सी बीच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये व्यू सबसे बढ़िया, लवली। अभी तक तो क्या ऐसा लग रहा था कि बस बैठे हुए हैं ट्रेन में और टॉय ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, लेकिन अब मजा आ रहा है, लवली। टॉय ट्रेन राइड हमारी ओवर हो गई है। थोड़ा सा वॉक करके ना जो बीच हमको दिखाई दे रहा था ना, जिसमें मैंने बोला था कि ये व्यू सबसे बढ़िया है, वहाँ तक हम लोग पैदल जा सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल दूर नहीं है, मुश्किल से 100-200 मीटर ही हमें आगे जाना है। ये देख लो, यहाँ से देख लेते हैं बीच, यहाँ से बढ़िया दिख रहा है। कुल मिला के मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं टॉय ट्रेन में राइड ना भी करता तो भी मैं यहाँ आके व्यू एंजॉय कर सकता था। अच्छा फोटोग्राफी पॉइंट है। मुझे भी किसी ने बताया कि ये ना वरुण बीच है, वरुण बीच के आगे आरके बीच है। सही है, फोटोग्राफी पॉइंट अच्छा है, लेकिन सूरज सामने होने की वजह से ना शाम के बाद ही अच्छी फोटो आएगी, अर्ली मॉर्निंग अच्छी फोटो आएगी। एक काम करते हैं, ये व्यू पॉइंट हमने देख लिया, कैलाशगिरी हिल घूमते हैं, थोड़ा समय यहाँ पे बिताते हैं, फिर आगे चलेंगे, मतलब रिटर्न नीचे की ओर। यहाँ से यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, अगर आप इस तरीके से मग पे अपनी फ़ोटो प्रिंट करवाना चाहते हो तो 250 रुपये कॉस्ट लेते हैं, जिसमें फ़ोटो खींचना और प्रिंट होना दोनों हो जाता है, और मग तो साथ में है ही है। भगवान शिव और माँ पार्वती का कितना अच्छा स्टैचू बनाया ना। मुझे किसी ने बताया आगे थोड़ा जाने पे ना हमको एक क्राफ्ट म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। चलो थोड़ा आगे चल के फाइंड आउट करते हैं किस तरफ को है। मुझे लग रहा था यहाँ पर क्राफ्ट म्यूजियम है, थोड़ा आगे आने में मालूम चला है ये शॉप है, इनके पास हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और इस समय हमें यहाँ पर हनी दिखाई दे रहा है, चाय पत्ती है, अरकू कॉफ़ी है। अरकू वैसे हम जाने वाले हैं, तो
वैसे तो कॉफ़ी वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी देख लेते हैं। भैया इसका क्या प्राइस है? 185 सर। 185 फॉर कितना ग्राम? 250 ग्राम्स। और हनी का क्या प्राइस है? 260 हाफ के जी। अरकू हनी सही है। और क्या आपके पास? देखें यहाँ पर कुछ हैंडबैग्स हैं, पर्सेस हैं, हैंड पाउचेस, ये सब हाथ से बने हुए हैं। नाइस। 100 रुपीस सही है। 100 रुपीस में तो 80 रुपीस। ठीक है मैम, एक फेयर आइडिया हो गया प्राइसेस का। क्या कॉस्ट है इसकी? गुड। हैंडीक्राफ्ट शॉप के बगल में ही अवतार मेहर बाबा यूनिवर्सल स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेडिटेशन कैंप है, ये सामने। अभी तो यहाँ ताला लगा हुआ है। और जो बाबा मेहर हैं उनका यहाँ पर बहुत बड़ी फोटोग्राफ लगी हुई है, ऐसा लिखते हैं, अवतार मेहर बाबा। और इसके सामने ब्रह्म कुमारी जो होते हैं उनका राज योगा मेडिटेशन सेंटर है। और आज की तारीख में इनके पूरे दुनिया में लगभग 9000 सेंटर हैं, ऐसा मैं एक अंदाज में बता रहा हूँ। तो बहुत बड़ा सेटअप है। तो ये लोग एफर्ट करते हैं लोगों को स्पिरिचुअल जानकारी देने के लिए कि अपने आप को पहचानो, ऐसा करके। 200 से 300 मीटर आगे जाने पे हम रोपवे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, फिर रोपवे लेके नीचे चलते हैं। कुछ देर पहले ये जो व्यू हम देख रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सूरज एकदम सामने था ऊपर की तरफ। अब सूरज ढलने का टाइम हो गया ना, अब वाइजैग शहर काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है। और सबसे मेन जो अट्रैक्शन है ना इस जगह खड़े होने की, वो सामने का सी बीच है। तो इससे एक अंदाज़ लगता है ना कि सी बीच के पीछे देखो कितने घर हैं, ये पूरा शहर बसा हुआ है। इस तरफ को बे ऑफ बंगाल है, और हम समुद्र किनारे तो नहीं कह सकते लेकिन हाइट से सी को देख रहे हैं, सही लग रहा है। थोड़ा सा फॉगी सा इस समय मौसम है, लेकिन अगर फॉग नहीं होगा तो विजिबिलिटी और बेहतरीन आएगी। तो यहाँ आके हमें इतना समझ में आ गया कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो शाम के समय आइए, 4 बजे 4:30 बजे, सो देट आप 5:30 बजे इस व्यू को एंजॉय कर सको। 80 रुपये पर पर्सन रोपवे की टिकट लगती है नीचे जाने के लिए, और आना जाना करना है तो 150 रुपये पर पर्सन। सुबह 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक के टाइमिंग है, सैटरडे संडे को 8 बजे तक शाम को। चार से पाँच मिनट में वो वहाँ से हम नीचे तक आ गए। समय ज़रूर बच गया लेकिन रोपवे एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं था। मुझे लग रहा है रोपवे को ना मतलब केबल कार को बदलने की ज़रूरत है। चलो अब नीचे की ओर चलते हैं। कैलाशगिरी हिल से हम रोपवे से बाहर आए, वहाँ से हमने ऑटो लिया और जगदम्बा क्रॉसिंग पर उतर गए। वहाँ से पैदल चलते चलते हम अभी दसपल्ला रेस्टोरेंट आ चुके हैं। बेसिकली दसपल्ला होटल का एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आए हैं वेज रेस्टोरेंट में। सब्सक्राइबर हमें मिल गए हैं अनुराग और एंजल। तो आप लोग आ रहे हैं हैदराबाद से और जा रहे हैं भुवनेश्वर, राइट ना? सही है, नाइस। तो हमने ऑर्डर दे दिया, मैंने अपने लिए मंगवाया पेसर रत्तू, क्या बोलते हैं, पेसर रत्तू डोसा, मूंग दाल का डोसा। और डोसा आने से पहले इन्होंने 3 तरह की चटनी हमको पहले से दे दी है। ये पीनट चटनी है, ये है जिंजर की चटनी। मैंने कल रात को अदरक का चटनी खाया था, उसका वो टेक्सचर बहुत अलग था और इसका तो अलग है। तो इसमें लॉट ऑफ रेड चिलीज, और ये मुझे नहीं पता इसमें किस चीज़ की चटनी है। ये है पेसरत्तू डोसा जो सामने देख रहे हैं ना आप, मूंग दाल से इसको तैयार किया जाता है, साथ में
कोकोनट चटनी आप लोग आ रहे हैं जो आपने ऑर्डर किया अच्छा इट्स कमिंग ना तब तक आप शेयर करो ना थोड़ा सा नहीं नहीं कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें कोई अच्छा अच्छा एक बार ये मूंग दाल का टेक्सचर देखो ये ना मूंग दाल से बना हुआ डोसा है तो इसको टेस्ट में ना जैसे मूंग दाल का चिल्ला होता है ना वैसा टेस्ट आ रहा है मैंने स्टाफ से पूछा था वो कह रहे हैं मूंग दाल के साथ इसमें राइस मिक्स करते हैं बनाते समय अभी मैंने इसके साथ साथ ना ये कोकोनट चटनी टेस्ट करी है मेरे को उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगा कल रात से लेके अभी तक मैंने जितनी जगह कोकोनट चटनी टेस्ट करी है दिस इज बेस्ट पिछले तीन मील में तो बेस्ट है मेरे को अच्छा लगा सही है गुड यहाँ पर आके मेरे को एक और चीज बता लगी इनके तीन चार रेस्टोरेंट है चार या पांच अराउंड फोर तो वेज रेस्टोरेंट अलग नॉन वेज अलग फिर उसके बाद दो रेस्टोरेंट और भी है एक बार रेस्टोरेंट है एक नॉन वेज रेस्टोरेंट है खाली बुफे के लिए एक है दो वेज है हमने भी अभी देखा फेमस होटल है ये डिंपल दर्शनी दक्षिण ऐसा सब मैंने देखा है जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना बहुत बार कुछ रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं वो डिश के हिसाब से भी सांभर बदल देते हैं अब किसी को ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डोसा खाना है तो ये सांभर देंगे एक्चुअली देयर आर एग्जैक्टली मैंने नोटिस किया वो चेंज कर देते हैं वैरायटी है आप सांभर के साथ खाओगे सॉरी राइस के साथ खाओगे तो वो एक थिक थिक सांभर रहेगा विथ सम वेजिटेबल्स इन इट डोसा के साथ आप खाओगे इट विल बी मोस्टली फ्लूइड एंड हार्डली एनी वेजिटेबल देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सांभर करेक्ट यस यहाँ पर जो फिल्टर कॉफी मैं पी रहा हूँ ना इसका नाम है दस पल्ला स्पेशल फिल्टर कॉफी आपने नहीं ली फिल्टर कॉफी बिकॉज आपको अभी नॉन वेज डिनर सेक्शन में जाना है सही है कितना सारा फोम फोम बना दिया ऊपर वाकई फिल्टर कॉफी में दम है स्वाद तो डोसा का कॉम्पेंसेशन हो गया मतलब आज का मुझे लगता है डे एंड और डिनर के बाद इस तरह से फिल्टर कॉफी पीना मेरे लिए रॉकिंग एक्सपीरियंस रहा एक सिप पीते मज़ा आ गया गजब यहाँ पर ना अरकू वैली में कॉफ़ी प्लांटेशंस होती हैं तो बहुत लोग अरकू की कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो हम अरकू जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे बाकी फिल्टर कॉफ़ी बहुत शानदार है ओवरऑल फूड एक्सपीरियंस यहाँ पे दस पल्ला में काफ़ी अच्छा रहा अभी देखो आज क्या दिन है सैटरडे है ऑलमोस्ट सारे टेबल्स फुल हैं लोग बैठे हुए हैं वीकेंड है अदरवाइज ऑल्सो ये रेस्टोरेंट फेमस है होटल भी फेमस है तो आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर फिनिश हो रहा है अभी के लिए आपको बाय बाय और आप फूड फिनिश करिए फिर आप भी चलेंगे और हम भी चलेंगे ठीक है चलो बाय बाय थैंक्स फॉर योर टाइम